ओके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरर के बारे में, और उसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ लिया था, हाँ के ना बच्चों? राइट यस सर, यस यस सर। स्क्रीन नहीं बंद करना है बेटा, किसी को भी स्क्रीन चालू रखो सब लोग। फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे एरर प्रोड्यूस। इन पावर ओके, एरर पावर में कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम सीखेंगे। चले ना, सपोज करो आपके पास कोई क्वांटिटी है पी। पी के लिए आपके पास ए पावर एक्स, बी पावर वाई अपॉन सी पावर जेड, ऐसा दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? अच्छा, इससे पहले, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, चलो इसको निकाल दूं। मैं आपको पहले छोटा सा एक सिखा देता हूँ। सपोज करो वी हैव गिवन, सपोज जेड इज इक्वल टू ए रेस टू एन, हमें दिया गया है बच्चों, हाँ या ना? ओके, तो ए रेस टू एन दिया गया है। अच्छा, ए रेस टू एन भी बहुत बड़ा हो गया, चलो मैं इसको ए स्क्वायर ले लेता हूँ। ए स्क्वायर दिया गया है। अभी मुझे यहाँ पर एरर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर का मतलब बच्चा ए इंटू ए होता है, मुझे हाँ या ना में आंसर? यस ओके, यहाँ पर दो ए के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर दो ए के बीच में, मल्टीप्लाई वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। सो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, इसका मतलब ये हो गया टू डेल्टा ए अपॉन ए, बोलो हाँ या ना? यस सर ओके ओके, तो इसका मैं सिंपल सा बोल देता हूँ। अगर इस तरह से आपको पावर में दिया गया है, तो पावर को टपली मारो और उसको नीचे लेके आओ। क्या करना है बेटा? पावर को ऐसे करके टपली मारो, तो टपली मारने से पावर नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आया ना माँ? अगर प्रिंस के सिर पर टोपी होगी, ऐसे टोपी को ऐसे करके हम ऐसे थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, तो टोपी नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आना बोल प्रिंस। गिरेगी। हाँ, तो यहाँ पर भी पावर को हमने टपली मारी, तो पावर नीचे आ गया, बोलो सही बात है मेरी? यस पक्का? तो अगर मैं सपोज करो मेरे पास नाव, अभी मैं शक्तिमान बन गया, तो शक्तिमान बनने की वजह से मेरे पास अभी जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी है, जेड इज इक्वल टू ए रेस टू एन, तो इसका वैल्यू क्या होगा? पावर में कितना आंसर आएगा? डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू वॉट? बताओ फ्रेंड्स। एन इंटू डेल्टा वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, एकदम सही पकड़े हैं पांडे जी। सही है बेटा, सही, एकदम सही है, बोलो समझ आ गया? अपॉन ए। यस ओके नाउ चलो सपोज करो मेरे पास, हमारे पास अभी W इज इक्वल टू P रेस टू X, Q रेस टू Y अपॉन R रेस टू Z, ऐसा कोई टर्म दिया है। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करने को बोलेंगे पावर, तो कैसे फाइंड करूँगा बेटा? तो डेल्टा W बाई W इज इक्वल टू P का पावर X है बेटा, तो इसका मतलब होगा जो पावर है वो नीचे, X नीचे, डेल्टा P बाई P, बोलो हाँ या ना? प्लस, अच्छा, क्यू का पावर वाई है, तो पावर नीचे वाई, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। प्लस आर का पावर जेड है, तो पावर नीचे डेल्टा आर बाय आर, बोलो आई बात समझ में बच्चों के यस नहीं समझ में आया? एवरीवन क्या बता रहे हो यस बच्चों, सर, समझ गए। हाँ पक्का पक्का? यस यस ओके चलो,
तो ये आपका पावर के अंदर जो होता है ये कुछ इस तरह से पूछा जाता है। नाउ अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है? लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, सम क्वेश्चन, जिससे हम समझ पाए इजीली कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। देखो ये आपका एरर टॉपिक खत्म हो गया। अभी हाउ टू अप्लाई और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है सब लोग? तो सब ध्यान में रखना। चले हमें कुछ इस तरह से बोला गया है, ठीक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड। विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एस पी इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है? आपको सीधा ऐसा बोल के दिया कि पी में परसेंटेज एरर कितनी होगी आप फाइंड करके बताओ, ठीक है बच्चों? तो देखो इसमें कैसे किया जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नो आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वांटिटी दिया गया है डेल्टा ए बाय ए, तो ए में परसेंटेज एरर 1 है, बी बाय बी, बी में परसेंटेज एरर 2 है, सी बाय सी, परसेंटेज एरर 3 है, डी बाय डी, परसेंटेज एरर 4 है। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी? ये आपको गिवन है, ये मैंने कहीं से उठा ही नहीं है। देखो ये आपको गिवन यस है, ये सारी चीजें आपको दी गई है ना। अच्छा अभी यहाँ पर आपको P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी ऐसे दिया गया है, तो डेल्टा पी बाई पी कैसे किया जाएगा बेटा बताओ तो सब लोग? ए क्यूब है तो मैं कैसे लिख सकता हूं युग? यस मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा डेल्टा पी बाई पी? थ्री थ्री डेल्टा ए बाय ए एक एक मिनट हाँ बेटा, एक मिनट, एक मिनट। थ्री, ओके थ्री, थ्री डेल्टा ए बाय ए वेरी गुड। फिर प्लस टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा बी का प्लस सर डी उसके मतलब स्क्वायर में है या अलग नहीं, एक क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी है। हाँ तो डेल्टा सी बाय सी और वेरी प्लस गुड, प्लस डेल्टा डी बाय डी। डेल्टा डी बाई डी, बहुत सही बच्चा। अच्छा अभी ए में कितना परसेंटेज एरर है तो वन वैल्यू रखो 1। अच्छा बी में कितना परसेंटेज एरर है तो टू वैल्यू रखो 2। सी में कितना परसेंटेज एरर है थ्री और डी में कितना वैल्यू है, तो फोर इसका मतलब ये हुआ बच्चों 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 14%। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब यस कि आपका जो
पी में परसेंटेज एरर है वो 14% है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मेथड। या क्या नहीं समझ में आया? एवरीवन, आई होप आ सबको गया सर। समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर? यस ओके ना। अच्छा, अभी हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। वेट अ सेक। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग थ्री साइड। ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली वन पॉइंट फाइव परसेंटेज एंड 1%। द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज फिल इन द ब्लैंक। ऑल राइट, तो बच्चों यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन शेप ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब दिया गया है आपको बेटा, इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग थ्री साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास। अच्छा, सबसे पहले जो दिया है वो मास का परसेंटेज एरर है। मास का परसेंटेज एरर डेल्टा एम बाय एम आपको दिया है 1.5%, और लेंथ का जो परसेंटेज एरर है वो आपको दिया है डेल्टा एल बाय एल 1%, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है डेंसिटी के लिए, डेल्टा रो बाय रो। ओके, सो थोड़ा टेंथ याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, उसका इक्वेशन क्या होता है? अगर पता है तो बता सकते हो, नहीं पता है तो मैं तो बताने ही वाला हूं, पर अगर आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलो, चलो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सही है? से यस और नो? यस सर।
चले नाउ, तो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, दैट इज इक्वल टू एम बाय वी। अच्छा क्यूब है, तो क्यूब का मतलब होता है जिसकी सभी लेंथ इक्वल हो, तो इसका जो वॉल्यूम है वो एल क्यूब से दिया जाएगा बिकॉज वी इज इक्वल टू एल क्यूब। ओके तो चले, अगर मुझे डेल्टा रो बाय रो फाइंड करना है तो उसके लिए डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 डेल्टा एल बाय एल करना पड़ेगा क्योंकि एल क्यूब है तो पावर नीचे चला जाएगा। चले मास में आपको वैल्यू 1.5%, एल में आपको 1%, तो 1.5 प्लस 3 4.5%, तो आपका आंसर हो गया बेटा 4.5%। बोलो क्लियर? यस सर। पक्का? की जगह क्या नहीं समझ आया सर, आपने वो डेंसिटी की जगह पे क्या लिया, रो? हाँ, डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। बोलो बच्चों, समझ आया बेटा आपको कि नहीं समझ आया? यस। पक्का? यस सर। ओके, अभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंस, ठीक है? देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। यस सर। यस। ओके, ये क्वेश्चन आप दिमाग में बिठा लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बाकी सब जगह पर। तो क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से पूछा जाता है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इज टी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी ओके सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई, एवरीबॉडी? यस सर। ओके ओके चले, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए जरूरी है। चले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया गया है, कैन यू चेक? यस। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है आपके पास टी इज इक्वल टू 2π
रूट एल बाई जी। यस सर। ना मुझे एक्यूरेसी फाइंड करनी है स्मॉल जी में, तो इसका मतलब मुझे स्मॉल जी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बेटा। सो फॉर दैट पर्पस मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी हो जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर ये रूट में से जी बाहर नहीं निकालता तो मैं जी को सब्जेक्ट नहीं बना पाता, इस वजह से मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि जो जी है वो रूट के बाहर आ सके। अभी जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बोलो क्लियर एवरीबॉडी, आ रही है मेरी आवाज सबको? यस सर। ओके नाउ एक चीज सब लोग नोट कर लीजिएगा, ये मैं जो नोट करवा रहा हूं वो पूरी जिंदगी के लिए याद रखेगा। एरर प्रोड्यूस ओनली वेरिएबल क्वांटिटी, एरर कैन नॉट प्रोड्यूस इन फिक्स, ठीक है, और कॉन्स्टेंट। आप फिक्स बोल सकते हो या उसको कॉन्स्टेंट बोल सकते हो क्वांटिटी। जैसे कि यहां पर स्क्रीन चालू रखने को बोला है बेटा मैंने आपको, यहां पर जो 4 पाई स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का ठीक है जैसे कि 4 पाई स्क्वायर है तो ये 4 पाई स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का कभी भी एरर नहीं मिलेगा आपको बेटा। तो यहाँ पर अगर आपको एरर फाइंड करना है सो हेंस यू कैन राइट डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई स्क्वायर का नहीं मिलेगा, एल जो है उसका मिलेगा, सो डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। बोलो ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। पक्का? चलो नाउ अभी हम क्वेश्चन में से सारी चीजें देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ ट्वेंटी सेंटीमीटर है। ओके फिर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, अच्छा 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब हुआ डेल्टा एल 1 मिलीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर नहीं चलेगा यानी इसको सेंटीमीटर करो, तो दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? नॉट क्लियर? नाउ सर एक्यूरेसी को डेल्टा एल क्यों लिया कुछ पता नहीं चला। एक्यूरेसी मतलब आपने जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है वो इंस्ट्रूमेंट मिलीमीटर तक डिफाइन कर सकता है। अच्छा सपोज करो मिलीमीटर से थोड़ा आगे चलेंगे हम, ठीक है, तो उस पे वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, इस वजह से मैंने डेल्टा एल को 1 मिलीमीटर मतलब कि एक्यूरेसी को मैंने एरर के तौर पर लिया, ठीक है। आप मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। अच्छा सपोज करो आप स्केल का यूज कर रहे हो बेटा, तो स्केल जो है वो सेंटीमीटर और सबसे छोटी मिलीमीटर के लिए यूज होती है, उससे छोटी चीजें मेजर करने के लिए आपकी सिंपल स्केल नहीं काम में आने वाली है। अच्छा उससे छोटी चीज अगर आपको मेजर करनी है तो उसके लिए आपको फिर वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत है, इससे नीचे जाना है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी कुछ एक रेंज होती है, उसी रेंज में वो मेजर कर सकती है, उससे छोटी चीजें मेजर नहीं कर सकती है। तो जो आपकी स्केल थी उसका मेजरमेंट वैल्यू था 1 mm, यानी आपका एरर होगा डेल्टा एल, यानी कि अगर कुछ भी एरर होगा तो वो मिलीमीटर स्केल में होगा, यानी मैंने डेल्टा एल को 1 mm ले लिया। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? यस। चलो उसके बाद आपको क्या बताया बेटा, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100 करने हैं, उसके लिए टाइम लगता है 90 सेकेंड
और जो रिस्ट वॉच है उसका रिजोल्यूशन, यानी कि वो 1 सेकेंड मेजर करती है, तो इसका मतलब स्मॉल टी हो गया 90 सेकेंड, और उसके लिए जो एरर है वो 1 सेकेंड का मिलेगा। ठीक है, 1 सेकेंड क्यों लिया बेटा? क्योंकि आपकी जो रिस्ट वॉच है उसके अंदर जो डायल है, जो सबसे छोटी चीज मेजर करता है वो सेकेंड होता है, हाँ या ना? सेकेंड क्लॉक होता है। अच्छा, अभी कुछ भी चीज, मतलब सपोज करो घड़ी आप, घड़ी आपकी जो है, ठीक है, वो लेट हो गए, तो लेट होने का रीजन क्या था? उसका जो सेकेंड क्लॉक है वो थोड़ा सा अगर कम जल्दी से घूमता है, तो उसकी वजह से उसका जो मिनट क्लॉक होता है वो भी कम घूमता है, और उसका आवर क्लॉक भी कम घूमता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सेकेंड क्लॉक है उसमें एरर होगा, सो दैट इज डेल्टा टी 1 सेकेंड। अच्छा, नाउ अभी ये समझ लेना, नाउ आपका जो टोटल टाइम टी होता है उसको एन इंटू टी से दिया जाता है, वेर कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका मतलब डेल्टा टी बाई टी करोगे, दैट इज डेल्टा कैपिटल टी बाई टी, ये दोनों सेम हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरर जो है वो कांस्टेंट टर्म में कभी देखने को मिलेगी नहीं। अच्छा, आपको लगेगा सर आपने टी इज इक्वल टू एन टी क्यों कर दिया? ओके, सपोज करो मेरे पास एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड का टाइम लगता है, तो 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 1 तो वो 100 × 2 हो गया, 100 मतलब, 100 का मतलब एन और यस का मतलब टी, तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड करोगे तो आपको टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा, पक्का? चले नाउ, तो हमारे पास अभी फॉर्मूला है डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2। कैपिटल डेल्टा टी बाई टी नहीं दिया है पर स्मॉल दिया है, तो की फर्क पैंदा है? इधर अपने को दिया गया है ब्राउन मुंडे, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा टी बाई टी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा टी बाई टी। चलो ठीक है, डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास? डेल्टा वन जीरो ओके, पॉइंट वन सेंटीमीटर यानी 0.1। एल की वैल्यू यस कितनी है बच्चों आपके पास? 20 20। चलो ठीक है, प्लस 2। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 1 1 अपॉन टी की वैल्यू 90 90। वेरी गुड, चलो ठीक है नाउ। अच्छा मुझे ये बताओ, 0.1 को बोला जाता है 10^-1, के 2 × 10^-1 2। अच्छा आपको पता है 1/9 10^-1 होता है, हाँ या ना? ओके, इसको बोला जाता है 1/2 10^-2। सही है मेरी बात? क्योंकि ये 10^+1 है, ऊपर जाएगा तो -1, पहले माइनस वन यस था एक और -1 गया, तो 10^-2 हो जाएगा। अच्छा 1/9 का वैल्यू यस है सर 0.1111। क्या बोला मैंने बच्चों? 1/9 का वैल्यू होता है 0.1111। अच्छा ठीक है, चल तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 1/2, मतलब कि 0.5 10^-2 प्लस 0.02222। भी आपको लगेगा सर आपने ऐसा क्यों किया बेटा? तो देखो सिंपल सी है, 0.1111 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.2222 देगा, और 10^-1 है,
यानी कि डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको 0.022 मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट, अच्छा ये हो जाएगा 0.05022। चले तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 2.7, हाँ या ना? अच्छा यस सर। परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 करो, तो डेल्टा जी बाय जी 0.027 × 100 यानी 2.7% हुआ, दैट इज नियरली इक्वल टू 3%। बोलो आई बात समझ में? पक्का? ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए बच्चों। देखो ऐसा एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सब लोगों को ऐसा एक और क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके एवरीबॉडी, ओके चले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन नंबर, मैं अभी जो लिख रहा हूं वो। द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2π √L/g। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम is about 100 centimeter measured with one millimeter accuracy. The periodic time is 2 seconds when 100 oscillations are measured. By a stopwatch. Having least count point 1 second, calculate the percentage error. In measure of G, चलो आएगा भाई सबको खुद से सॉल्व करना एवरीबॉडी। यस सर।
आ रहा है भाई आंसर सबका? सर आया आंसर 10.1 आ रहा है, आया। ज्यादा बहुत ज्यादा आ गया का आंसर आना चाहिए था। देखो इज इक्वल टू 2π रूट एल बाई जी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एल बाई जी, जी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, सो डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा t/t होगा। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर आपके पास डेल्टा एल दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, सर टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिए 100, तो टोटल टाइम हो जाएगा 200। ओके, और डेल्टा टी आपको दिया है 0.1 सेकेंड। चल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, नथिंग एल्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल मतलब 0.1 बाय 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए 2। डेल्टा टी बाई टी 0.1 बाय, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 100। चलो वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर, तो देखो ये 100 कैंसर, तो ये हो गया 0.1, ये 2 कैंसर, ये 100 कैंसर, ये हो गया 0.1, तो आपका आंसर हो गया 0.2%। सर बोलो बेटा। सर वहाँ पे देन द पीरियडिक टाइम इज अबाउट 2 सेकंड, मतलब हमारा वो टी तो 2 सेकंड आएगा ना। कैपिटल टी 2 सेकंड आएगा, स्मॉल टी के लिए आपको नहीं पता, मैंने अभी तो बताया था लास्ट लेक्चर, एम आर एन इंटू 10 टी होगा, नंबर ऑफ एसिलेशन 100, टाइम पीरियड 2, तो टोटल टाइम 200 सेकेंड हो गया। सही है, ये जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो आपका स्मॉल डेल्टा स्मॉल टी है। ठीक है, यस सर बाकी तो इजी था। बोलो आया समझ में, गलती कहाँ की, समझ आ गया बेटा पक्का? ठीक सर है, देखो अभी आप सबके साथ ये आपको सबको लिखना है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा मैंने आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन दिया था ना बच्चा, कि एक बेटा इमेज डिस्टेंस, वी 20.1 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर, देन फाइंड फोकल लेंथ विथ एरर। तो फोकल लेंथ का वैल्यू एरर के साथ कितना मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है। चले ठीक है बच्चों, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया गया है 50.1 प्लस और माइनस 0.2, के इमेज डिस्टेंस दिया गया है 20.1 प्लस और माइनस 0.2। बोलो सही है मेरी बात? नाउ अभी आपके पास फ्रॉम यस लेंस फॉर्मूला, अच्छा आपके पास मिरर फॉर्मूला होता है, सर
वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ, याद करो आप. यस सर. तो इसका एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी होता है. ये पता नहीं होगा कैसे आया है, क्या पता चल गया सर? एलसीएम. हाँ एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू प्लस वी अपॉन यू वी, फिर उसका उल्टा कर दिया तो यू वी अपॉन यू प्लस वी हो गया. ठीक है चले, ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हम, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू यू कितना है बेटा, मेन वैल्यू 50.1. अच्छा वी कितना है 20.1 अपॉन 50.1 प्लस 20.1. चलो करो तो बेटा ऊपर कितना होता है 50.1 इंटू 20.1. कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करो. वन डबल जीरो 7.01. ठीक है, और नीचे हो जाएगा 70.2. सही है. अच्छा इन दोनों का रेशियो कितना होता है? ओके, तो ये आपका एफ मिल गया. चले नाउ डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू प्लस डेल्टा वी बाई वी प्लस, ये याद रखना बेटा आपको, आपको ये करना पड़ेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी अपॉन यू प्लस वी. चलो डेल्टा यू आपके पास कितना है बेटा 0.2, अपॉन यू है आपके पास 50.1. अच्छा डेल्टा वी है 0.2, अपॉन वी है 20.1. डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी मतलब 0.2 प्लस 0.2, 50.1 प्लस 20.1. चले फर्स्ट का रेशियो कितना आता है बेटा आपके पास, 0.2 अपॉन 50.1 कितना होता है? 0.00399 20159 68. अच्छा 0.00 399 399, तो उसको 4 बोल देंगे. चलो सेकंड का पावर क्या होता है रेशियो? जीरो पॉइंट जीरो ओके, और ये थर्ड वाला है उसका 0.005698. तो उसको चले तीनों का एडिशन कितना होता है देखो तो बेटा 11 नहीं रुको 0.02 होगा. हाँ, क्योंकि 0.004 प्लस 0.006 करोगे तो वो 0.01 होगा प्लस 0.01 यानी 0.02 हो जाएगा. चले ना तो डेल्टा एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो 0.02 मल्टीप्लाई 14.3. चलो करो तो बेटा कितना आता है 0.02 इंटू 14.3.
0.286. तो इसका मतलब डेल्टा एफ की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0.3 हो गया। तो आप जो फोकल लेंथ एफ है उसको 14.3 प्लस और माइनस 0.3, ये आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। बोलो क्लियर। ओके चलिए ठीक है, बस तो आज हम इतना ही रखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर एबल टू डिस्कस अदर थिंग्स। और होमवर्क में आपको वर्कशीट मिल जाएगी, सब लोगों को वर्कशीट सॉल्व करनी है, ठीक है एवरीबॉडी।